बिहार में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी अगले 6 महीनों में फिर से चुनावी शोरगुल सुनाई देने वाला है। जी हां, बिहार में फिर से चुनाव होगा। अब जान लेते हैं कि आखिर वो चुनाव कौन सा होगा कि बिहार में उपचुनाव होने हैं। दरअसल जो विधायक और विधान पार्षद लोकसभा चुनाव जीते हैं, वो अब दिल्ली का रुख करेंगे और दिल्ली जाने के साथ ही साथ उन्हें अपने विधायकी से इस्तीफा देना होगा। जहां जहां सीटें खाली होंगी, वहां वहां उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में उपचुनाव कराया जाएगा। तो एक बार फिर से तैयार रहिए। अब जान लेते हैं कि आखिर कहां कहां ये चुनाव होंगे। तो लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा की 4 और विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के 3 मंत्री और जदयू के 4 विधायक अब संसद जा रहे हैं। इनमें दिनेश चंद्र यादव, पशुपति कुमार पारस और ललन सिंह शामिल हैं। अब तक ये बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें अपना पद छोड़ना होगा, इस्तीफा देना होगा। वही किशनगंज में उपचुनाव होना है, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के मोहम्मद जावेद भी संसद जा रहे हैं। वो किशनगंज लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं, अब विधायकी छोड़नी होगी। दरअसल मधेपुरा से जदयू विधायक और मंत्री दिनेश चंद्र यादव संसद जा रहे हैं। ललन सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री थे, अब वो भी चुनाव जीतने के बाद संसद जा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के नाथनगर से विधायक अजय कुमार मंडल भी चुनाव जीत चुके हैं, वहां भी उपचुनाव होगा। बांका बिलहर विधायक गिरधारी यादव चुनाव जीत गए हैं, वो सीट भी खाली होगी। सिवान रघुनाथपुर से जदयू विधायक कविता सिंह को भी लोकसभा जाना होगा, क्योंकि वहां पर भी एक बार फिर से उपचुनाव होंगे। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी जीत मिली है। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर एनडीए काबिज है और 1 लोकसभा सीट किशनगंज से कांग्रेस के जावेद चुनाव जीते हैं। अब इन सभी के संसद में जाने से बिहार की जो सीटें खाली होंगी, उन पर उपचुनाव कराए जाएंगे। उम्मीद है कि जल्द ही उपचुनाव होंगे। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।